सुनो, हमने चार एंट्रीज अब डिस्कस कर लिए, आगे बढ़ते हैं हम. फॉर रिड्यूसिंग द पेड अप कैपिटल, बड़े आराम से रिलैक्स होके इस एंट्री को समझना. इसमें मैं आपको बहुत सारी बातें सिखाऊंगा, ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ये एंट्री आपको समझ में आ गई तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऑलमोस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं. सी, फॉर रिड्यूसिंग द पेड अप कैपिटल, इसमें केस वन है आपके पास, ओनली पेड अप इज रिड्यूस्ड, एंड केस टू है इसमें आपके पास, बोथ फेस वैल्यू एज वेल एज पेड अप इज रिड्यूस्ड. दोनों को रिड्यूस किया गया, फेस वैल्यू को भी रिड्यूस किया गया एज वेल एज पेड अप को भी रिड्यूस किया गया. ध्यान से देखिए बेटा, ये है क्या चीजें, एक एग्जांपल से हम सारी की सारी समझते हैं. प्लीज सपोज एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड के 10,000 शेयर्स हैं ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है, तो कितने के हो गए बेटा, 1,00,000 रुपए के. और मैंने बोला फुली पेड है, मतलब शेयर होल्डर्स ने, बड़े शरीफ शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने सारा अमाउंट पे कर रखा है, ठीक है. एक्स जेड लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स से जाके कहा कि सर आप अपनी पेडअप कम करवा लो. सर पेडअप कम करवा लो मतलब उन्होंने ये बोला कि आपके 10,000 शेयर है 10 रुपए के, आपने, हम मानते हैं आपने 10,000 रुपए 10 रुपए पर शेयर पे कर रखा है, फुली पेड है. फुली पेड का मतलब फेस वैल्यू भी इनकी 10 थी, बट आप अपनी इस कैपिटल को रिड्यूस करवा लो. इस कैपिटल को रिड्यूस करवाने से क्या बेनिफिट होगा सर, वो भी हम आपको 2 मिनट में समझाते हैं, ध्यान से देखिए. मतलब एक्स वाई जेड लिमिटेड रिड्यूस्ड द पेड अप कैपिटल बाय रुपीज 3 पर शेयर, 3 रुपए से उसने पेड अप कैपिटल कम कर दी. किसने? एक्स वाई जेड लिमिटेड ने. अब 3 रुपए से अगर पेड अप कैपिटल कम कर दी तो हुआ क्या इससे कि जो 10,000 शेयर्स थे वो अब कितने के रह गए, 7 रुपए के रह गए. मतलब कैपिटल कितने की आ गई, 70,000 की. फेस वैल्यू अभी भी 10 ही है. फेस वैल्यू कितनी है, 10. ध्यान से समझिए, पहली चीज सर, कंपनी ऐसा क्यों करती है, वो पेड अप कम क्यों करती है? बेटा इसलिए करती है, ध्यान से देखें, जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, सपोज यहां पर एसेट्स हैं या पी एंड एल आपने लॉसेस दे रखा रखे हैं. अब अगर इन एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है या ये पी एंड एल हमें खत्म करना है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है या पी एंड एल हमें खत्म करना है, तो यहां पर कैपिटल को भी तो कहीं ना कहीं हमें कम करवाना पड़ेगा. इस कैपिटल को भी तो हमें अपने शेयर होल्डर से कम करवाना पड़ेगा. अगर आप रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस में गए, आपको पता लगा आपने एक बिल्डिंग 1 करोड़ की रिकॉर्ड कर रखी थी बट उसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 50,00,000 रुपए है, वैल्यू कम हो गई एसेट की. या सपोज आपके एसेट साइड में आपको लॉसेस दिख रहे हैं, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दिख रहा है 30-35 लाख रुपए का, तो अब रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जाके जब आप इन्हें खत्म कर रहे हो तो एक साइड अगर आप इन चीजों को कम कर रहे हो तो बट ऑब्वियस है उससे कंपनी की कैपिटल भी क्या हो रही है, कम होगी. नाउ अब सपोज, ध्यान से समझिए, मेन बात अब आएगी, ये तो बच्चों वाली बात थी, 10,000 शेयर थे 10 रुपए वाले, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने रिड्यूस किया पेड अप बाय रुपीज 3 पर शेयर, तो अब जो कैपिटल है वो कम होगी, कितनी हो गई, 70,000 रुपए. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करते हैं. अगर कैपिटल कम होती है, कैपिटल कम होती है तो उसको क्या किया जाता है, डेबिट. और कैपिटल का कम होना प्रॉफिट भाई, लायबिलिटी साइड आती है ना, एक तरह से लायबिलिटी कम हो रही है तो वो कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है जी. बट यहां मैंने क्या लिखा, बोथ फेस वैल्यू एज वेल एज पेड अप इज रिड्यूस्ड. ध्यान से समझना, अभी आपको 2 मिनट बाद बहुत नई नई चीजें पता लगेंगी. एक्स वाई जेड लिमिटेड रिड्यूस्ड द
paid up to rupees 7 per share. ध्यान से समझिए, XYZ लिमिटेड ने paid up को रिड्यूस करके 7 per share तक कर दिया. मतलब क्या बेटा, यहां पर इसका मतलब है कि 10,000 shares तो हैं, 7 का ही है, बट जो फेस वैल्यू है ना वो अब 7 हो चुकी है. अब कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा, ध्यान से समझो बड़े अच्छे से. हमारे पास XYZ लिमिटेड थी, 10,000 शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर था, फुली पेड शेयर थे. क्या थे बेटा? फुली पेड शेयर, फेस वैल्यू 10. हुआ क्या, केस वन के अंदर मैंने कहा पेड अप कैपिटल 3 रुपए से कम हुई तो बची कितनी, 10,000 शेयर 7 रुपए के हिसाब से 70,000 का. यहां मैंने बोला इट्स अ केस टू जिसमें 7 रुपए तक आ गई, 10,000 शेयर 7 रुपए के हिसाब से 70,000. सर बात तो दोनों एक ही है. नहीं, जमीन आसमान का डिफरेंस है. यहां फेस वैल्यू कितनी है 10, यहां फेस वैल्यू कितनी है 7. यहां फेस वैल्यू 10 है और यहां फेस वैल्यू 7 है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ध्यान से समझो बेटा, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करने जाते हैं ना तो हम कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं. क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाता है हमारा कंपनी के साथ? कि हम कंपनी का शेयर परचेज करेंगे, मतलब कंपनी हमें अपना शेयर देगी और बदले में हम कंपनी को पेमेंट करेंगे, दैट विल बी फेस वैल्यू. हम कंपनी को मिनिमम फेस वैल्यू पे करेंगे. अब हुआ क्या, हमारे 10,000 शेयर थे, हमने 10 रुपए पूरे के पूरे पे कर रखे थे, पूरी फेस वैल्यू हमने पे कर रखी थी. बींग अ शेयर होल्डर हमारी कोई लायबिलिटी नहीं थी, हमने कंपनी को सारा पैसा पे कर रखा था. कंपनी के डायरेक्टर्स आए, दे रिक्वेस्टेड अस कि सर आप अपनी कैपिटल कम कर लीजिए. तो हमने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है, 10,000 के 7 रुपए के हिसाब से 70 कर दो. बट फेस वैल्यू उन्होंने सेम रखी, फेस वैल्यू सेम 10 रुपए रखी, मतलब फेस वैल्यू 10 है, हमने पे कर रखे थे 10 के 10, वो 10 जो हमने पे कर रखे थे उन्होंने कितना घटा के कर दिया उसे 7. तो हुआ क्या, एक तो हमारा बींग अ शेयर होल्डर क्या नुकसान हुआ, शेयर होल्डर की तरह हमारा यह नुकसान हुआ, एक तो जो हमने 10 रुपए दिए थे उसे घटा के आपने 7 रुपए कर दिए, और दूसरा हमारा यह नुकसान हुआ क्योंकि वी आर लायबल टू पे फेस वैल्यू. अब हमारी कंपनी में फेस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए रह गई है, तो फ्यूचर में ये 3 रुपए जब भी कंपनी हमसे मांगेगी ये भी हमको पे आउट कर दे पड़ेंगे. इट इज लाइक आप मेरे पास आए, मैंने आपको बोला बेटा फीस जो है आपकी कॉर्पोरेट अकाउंट्स की 10,000 रुपीज है, आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवा दिए. अब मैंने क्या किया, आपसे बोला कि बेटा आप एक काम करो, मैं ना ये फीस स्लिप आपको 6,000 की कर देता हूं ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स. आपने कहा सर ठीक है, मैंने उसे कट किया, उस पर 6,000 लिख दिया, आपको पकड़ा दी. अगले दिन रिसेप्शन पर मेरे स्टाफ ने रोक लिया और आपको बोला फीस. आपने कहा मैंने तो सारी पे करी थी, मैंने स्लिप दिखाओ, स्लिप दिखाई आपने कितनी थी 6,000, फीस कितनी थी 10,000. तो एक तो आपने जो 4,000 पे किए वो डूब गए, और क्योंकि अब आपके स्लिप पे 6,000 आ चुका है और फीस थी 10,000 रुपए, तो यू आर लायबल टू पे रुपीज 4,000 इन फ्यूचर. ये वो सिचुएशन है जहां शेयर होल्डर डबल तरीके से मरता है, पहला जो उसने अमाउंट पे कर दिया वो गया, और सेकंड जब भी कंपनी फ्यूचर में अमाउंट मंगाएगी शेयर होल्डर को वो अमाउंट पे करना पड़ेगा. ठीक है, बट इस सिचुएशन के अंदर मैंने क्या लिखा, बोथ फेस वैल्यू एज वेल एज पेड अप इज रिड्यूस्ड, कि 10,000 शेयर से 7 रुपए का एक रह गया, 10 का था हमने कितने का कर दिया 7 का, बट हमने साथ साथ फेस वैल्यू भी कम कर दी, हमने साथ साथ फेस वैल्यू भी कम कर दी. फेस वैल्यू कम करने से हुआ क्या, फेस वैल्यू कम करने से साथ साथ ये हुआ कि यस शेयर होल्डर इज लायबल टू पे द अमाउंट, शेयर होल्डर इज लायबल टू पे द अमाउंट, नो शेयर होल्डर इज नॉट लायबल टू पे द अमाउंट एट ऑल. क्या शेयर होल्डर अमाउंट फ्यूचर में पे करने के लिए लायबल है? नहीं, सिर्फ उसका एक ही नुकसान हुआ, जो उसने 1,00,000 रुपए पे किए थे वो घट के 70,000 हो गए, उसको फ्यूचर में कुछ और पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फेस वैल्यू जो है वो बेटा कितनी है 7. बट यहां उसके दो नुकसान हुए, क्या, पहला एग्जिस्टिंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड, और दूसरा नुकसान क्या हुआ, शेयर होल्डर इज लायबल टू पे अमाउंट इन फ्यूचर
एज वेल, कितना ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। ठीक है बेटा, जबकि इस केस के अंदर ओनली एग्जिस्टिंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड, सिर्फ एग्जिस्टिंग कैपिटल रिड्यूस हुई है, शेयर होल्डर इज नॉट लायबल टू पे एनी अमाउंट इन फ्यूचर। इन फ्यूचर शेयर होल्डर किसी भी तरीके का अमाउंट पे करने के लिए लायबल नहीं है। तो यहां मैंने लिखा ओनली पेड अप इज रिड्यूस्ड, यहां लिखा बोथ फेस वैल्यू एज वेल एज पेड अप इज रिड्यूस्ड, आपको दोनों सिचुएशन क्लियर होंगी। अब पहचान कैसे होती है बेटा, अगर क्वेश्चन में बाय लिखा हुआ है तो इसका मतलब इट्स अ केस वन, दैट इज ओनली पेड अप इज रिड्यूस्ड। और अगर क्वेश्चन में बाय की जगह हमने टू लिखा है तो इसका मतलब क्या है, बोथ पेड अप एंड फेस वैल्यू इज रिड्यूस्ड, आपकी जो पहचान होगी वो बाय एंड टू से होगी। गॉट इट। एंड अगर फेस वैल्यू और पेड अप दोनों रिड्यूस हो रहे हैं तो हमें कैसे करना है, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, यहां आपने लिखनी है पुरानी फेस वैल्यू, जो भी पुरानी फेस वैल्यू थी वो सारी शेयर कैपिटल अब जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसकी जगह कंपनी में नई शेयर कैपिटल आई जिसकी न्यू फेस वैल्यू है, और ये जो सारा प्रॉफिट है ये कहां चला गया आपका, रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस में। आप समझे इस चीज को, यहां तो सिर्फ मैंने पेड अप कम करना था तो सीधी एंट्री कर दी इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन, यहां मुझे फेस वैल्यू भी कम करनी है तो पुरानी डिनोमिनेशन की जितनी शेयर कैपिटल थी वो खत्म हो जाएगी, उसको मैं डेबिट करूंगा, नई डिनोमिनेशन की कैपिटल मेरे पास आएगी उसको मैं क्रेडिट करूंगा, और जो भी फायदा है वो रिकंस्ट्रक्शन में गया। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए फटाफट एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर ले रहा हूं, बड़े ध्यान से रिलैक्स होकर एग्जाम्पल आपको देखना है। एग्जाम्पल तो वैसे मैंने लिया ही हुआ है आपके पास, उसी की एंट्रीज करते हैं। आइए सबसे पहले फर्स्ट वाले की करते हैं, एक्स वाई जेड लिमिटेड डिसाइड रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाय रुपीज 3 पर शेयर, तो ओनली पेड अप इज रिड्यूस्ड, तो इस सिचुएशन में बेटा एंट्री क्या होगी, इसमें होगी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। हाउ मच अमाउंट बेटा, सर इसके अंदर 30,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, जबकि अगर आप सेकेंड सिचुएशन देखते हैं उसमें हमारी फेस वैल्यू भी कम हुई है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, पुरानी फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपए, कैपिटल हमारी पूरी की पूरी पुरानी फेस वैल्यू वाली चली गई, और न्यू फेस वैल्यू की जो कैपिटल है वो हमारे पास आई टू इक्विटी शेयर कैपिटल, न्यू फेस वैल्यू हमारी कितनी है 7 रुपीज है, कितना आया बेटा 70,000 रुपीज, और ये जो सारा का सारा बेनिफिट है ये कहां चला गया, ये सर हमारा चला गया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, कितना 30,000। सो यू शुड फील डिफरेंस। देखो कहने को मैं इसे बड़ा सिंपल तरीके से पढ़ा सकता हूं कि बेटा अगर बाय लिखा हो तो ये एंट्री करनी है, टू लिखा हो तो ये एंट्री करनी है, बट यू शुड अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन कि क्यों किया जाता है। इसमें सिर्फ पेड अप कम हुई, फेस वैल्यू कम नहीं हुई, तो दो नुकसान शेयर होल्डर को झेलने हैं, पुरानी कैपिटल भी गई और शेयर होल्डर को फ्यूचर में 3 रुपए भी देने पड़ेंगे। इसमें जब फेस वैल्यू चेंज हुई तो सिर्फ पुरानी कैपिटल गई, फ्यूचर में पैसा देने की जरूरत नहीं है। एंड ध्यान से समझिए, यहां पर हमने सिर्फ पेड अप कम करनी थी, यहां हमने पुरानी फेस वैल्यू को पूरा खत्म किया, पहले 1,00,000 रुपए की जो कैपिटल थी, फिर नई कैपिटल आई 7 रुपए वाली फेस वैल्यू की, और सारा फायदा कहां गया रिकंस्ट्रक्शन में। तो आप इसे पूरा का पूरा फटाफट नोट डाउन करिए, इसके बाद हम इसके एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं और फिर आगे मूव ऑन करते हैं। फास्ट नोट इट।